कितनी प्यारी और खूबसूरत सुबह है और उतना ही खूबसूरत है ये रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं CG04 बस फीड। वैसे तो आप लोग इस वीडियो को कुछ दिनों बाद देखेंगे, पर आज के दिन के और हमारी डेस्टिनेशन के बारे में आपको छोटी सी जानकारी अपने अंदाज में दे देता हूं। महीना है जुलाई का, तारीख है 14, दिन है बुधवार का। मैं हूं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं CG04 बस फीड। और दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं कवर्धा अर्थात कबीर धाम में स्थित भगवान भोलेनाथ के प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने को। हम जा रहे हैं दर्शन करने को भगवान भोरम देव के। तो चलिए अपने सफर को और इस सफरनामे को शुरू करते हैं। सुबह सुबह के समय या शाम की गोधूली बेला के समय आप छत्तीसगढ़ के रूरल एरियाज से गुजरें और गाय और भैंसों का ऐसा झुंड ना दिखे, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे आपको बता दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में इसे बर्दी कहा जाता है। कहीं गाय और भैंसों के झुंड तो कहीं भगवान के ऐसे खूबसूरत से मंदिर जो किसी तालाब किनारे बने हुए हैं, किसी खेत के किनारे बने हुए हैं। ऊपर नीला नीला आसमां जिसे देखकर यूं लगता है कि मानो अब कभी भी बारिश आने को है। चारों ओर जहां तक नजर जाती है खेतों में हरियाली ही हरियाली नजर आती है। ऐसे ही खूबसूरत मौसम में और ऐसे ही खूबसूरत रास्ते में हम निकल चुके हैं भोरम देव के दर्शन को। भगवान भोरम देव का मंदिर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में आता है, जिसका नया नाम अब कबीर धाम है। राजधानी रायपुर से इसकी दूरी लगभग 130 किलोमीटर की है और यहां तक पहुंचने में आपको 3 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों, मैं कवर्धा जिला पहुंच चुका हूं और ये जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड से अगर मैं सीधे सीधे चले जाऊं तो मैं सिटी के अंदर चले जाऊंगा और ये रास्ता आउटर से हमें भोरम देव मंदिर तक लेकर जाता है। यहां से भोरम देव मंदिर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है। गाइस, वैसे तो भोरम देव जाने के लिए कवर्धा सिटी से ही रास्ता कटा हुआ है और काफ़ी अच्छी रोड है, लेकिन मौसम को देखते हुए मुझे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करने का मन हुआ, इसीलिए मैं सिंघमपुर गांव वाले रास्ते से जा रहा हूं, जो कि गांव से होकर के जाता है और शॉर्टकट भी है 15 किलोमीटर्स। यहां से भोरम देव रहता है, बट रास्ता थोड़ा कच्चा है और पतला है, बीच बीच में शायद आपको कीचड़ वगैरह भी मिल सकता है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या आपको ऐसे रास्ते पे जाना अच्छा नहीं लगता है या आपको अच्छे रास्ते पे जाना है, तो आप सिटी के अंदर वाला रास्ता प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं या आपको थोड़ा बहुत एडवेंचर पसंद है, तो आप इस रूट से आ सकते हैं। और क्यों इस रूट से आया हूँ आपको दिखाता हूँ अभी। ये देख रहे हो मेरे चारों तरफ खेत और ये पतला सा गांव के अंदर से होके जाता रास्ता, बीच बीच में पक्की सड़क भी है, कहीं कच्ची सड़क है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है रास्ता। जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ही रिस्की भी है, क्योंकि मॉनसून की फसल का समय है, इसलिए खेतों में लगातार काम चल रहा है और इसी वजह से खेतों की मिट्टी बरसात के पानी के साथ रास्ते पर एक अलग लेयर बना चुकी है, जिससे गाड़ी के स्लिप होने के चांसेस बढ़ गए हैं। पर यही तो बारिश के मौसम का मजा है, इसी चीज के लिए तो हम शहरों में रहने वाले लोग तरसते रहते हैं। हालांकि कवर्धा से भोरम देव मंदिर जाने का यह मुख्य मार्ग नहीं है और यहाँ आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट उस दूसरे रास्ते को प्रेफर करते हैं, लेकिन इस रास्ते पर कुछ दूर तक गाड़ी चलाने के बाद मुझे तो अपना डिसीजन बहुत सही लग रहा है। दोस्तों, इस ट्रिप में हम दर्शन करेंगे भगवान भोरम देव के मुख्य मंदिर के और जानेंगे उस मंदिर के इतिहास के बारे में। इसके अलावा हम दर्शन करेंगे
भोरमदेव मंदिर प्रिमाइसेस में स्थित अन्य प्राचीन मंदिरों के और भोरमदेव मंदिर के पास ही स्थित मड़वा महल और छेरकी महल के। इसके साथ ही हम जाएंगे चिल्फी घाटी और इन सब का वीडियो आप अलग अलग पार्ट्स में हमारे चैनल CG04 बस फीड में देख पाएंगे। भोरमदेव का यह मंदिर प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और यहीं से चिल्फी घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि चिल्फी घाटी को छत्तीसगढ़ का शिमला मनाली भी कहा जाता है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही कुछ ही दूरी पर मड़वा महल का ये बोर्ड दिखता है। यहाँ से लेफ्ट जाने पर आप मड़वा महल और छेरकी महल के दर्शन कर पाएंगे, जबकि ये सीधा रास्ता भगवान भोरमदेव के मंदिर तक जाता है। सामने मुझे एक तरफ फल प्रसाद कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स आदि की दुकानें नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान भोरमदेव का मुख्य मंदिर परिसर नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब अपनी बाइक पार्क करता हूं और आपसे मिलता हूं व्लॉगिंग मोड पे। भोरमदेव मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए दो मार्ग हैं। पहला ये मार्ग है जिससे हम जा रहे हैं, ये मार्ग गार्डन से होकर जाता है और दूसरा मार्ग तालाब के सामने से है। गार्डन वाला मेन गेट नया बना है, लेकिन इस गेट पे भी बहुत खूबसूरत कलाकृतियां बनाई गई हैं। यहाँ का गार्डन परिसर बहुत बड़ा है और गार्डन परिसर के ही एक हिस्से में सामने आप जो देख पा रहे हैं एक खूबसूरत सा आर्टिफिशियल झरना बनाया गया है। यहाँ पे फाउंटेन वगैरह की डेकोरेशन की गई है। हालांकि अभी पोस्ट कोविड टाइम पे यहाँ पे पर्यटन शायद बहुत कम है, इसलिए थोड़ी सी रख रखाव में मुझे कमी नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत सा ये गार्डन बनाया गया है और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं एक आर्टिफिशियल झरने जैसा बनाया गया है जिसका पानी यहाँ इस कुंड में आता है। बहुत खूबसूरत ये लग रहा है। फिलहाल पर्यटन बंद है या ना के बराबर है, इसलिए ये शुरू नहीं है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि जब ये एक्टिव होता होगा तो ये बहुत खूबसूरत लगता होगा। वहाँ ऊपर झरने से पानी बह के ऐसे नीचे आता होगा, बीच में हिरण पत्थर इत्यादि बनाए गए हैं और वो पानी यहाँ कुंड में जाता होगा। फिलहाल यहाँ बारिश का पानी जमा हुआ है ऐसा लग रहा है देख करके। और इसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे पत्थरों का एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जगह जगह पे, यहाँ पे भोरमदेव की खुदाई के समय मिले हुए मूर्तियों आदि के प्राचीन अवशेषों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजा कर रखा गया है। मुझे ये देख कर बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इसके पहले हमने गंडई के 12वीं शताब्दी के शिव मंदिर की जो हालत देखी थी उसकी अपेक्षा भोरमदेव बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत अच्छे से यहाँ पे पर्यटन को ध्यान में रखते हुए प्राचीन अवशेषों को बहुत संजो कर रखा गया है, बहुत खूबसूरती के साथ रखा गया है। ये सामने आप देख सकते हैं प्राचीन मूर्तियों के अवशेष हैं, इधर भी एक है, ये भी एक है और ठीक इसी तरह उस तरफ भी मुझे कुछ अवशेष दिख रहे हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां हैं मंदिर के, ये दरवाजे हो सकते हैं, पिलर हो सकते हैं या किसी राजमहल के अवशेष हो सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस पे जो कलाकृतियां बनाई गई हैं, ये जो कलाकारी की गई है, ये जो पत्थर है, ये सब कुछ प्राचीन काल का है, बहुत पुराना इतिहास है और छत्तीसगढ़ की पावन धरा के इतिहास के पन्नों को यहाँ पे बहुत खूबसूरती से संजो कर रखा गया है। इस ओर जो आप देख रहे हैं यह भी प्राचीन किसी इमारत का अवशेष है। ऊपर नया हिस्सा बना करके नीचे के पुराने हिस्से को लंबे समय तक बचा कर रखने की एक बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पे सरकार के द्वारा की गई है। चूंकि यहाँ पे प्री कोविड टाइम पे बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, उनके साथ बच्चे होते थे, फैमिली होती थी, उनके मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पे बनाई गई थी। क्योंकि आप एक काफ़ी लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप काफ़ी समय यहाँ पे व्यतीत करते हैं, कम से कम घंटे दो घंटे
ढाई घंटे आप यहाँ पे रुक करके जाते हैं, तो उस समय बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई थी। और ये बड़ा सा जो पार्क बनाया गया है ये भी काफ़ी खूबसूरत है, फैमिली के साथ बैठ करके, दोस्तों के साथ बैठ करके आप यहाँ पे एक अच्छा सा समय व्यतीत कर सकते हैं। निचले हिस्से में गार्डन है और इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद भगवान भोरमदेव का मंदिर है। फिलहाल कोरोना की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए यह दरवाजा बंद है और हमें इस रास्ते से अंदर की ओर जाना होगा। एक तो टिपिकल प्राकृतिक और जंगली क्षेत्र, ऊपर से इंसानों का ना आना, ये रास्ता इसी चीज की गवाही दे रहा है। तो ये वो दूसरा रास्ता है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसके एक और तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, वो सामने से भी गाड़ियां आ रही है और यहाँ पे भी गाड़ियां पार्क हुई हैं। यहाँ पे भी आपको फल प्रसाद आदि की कुछ दुकानें मिल जाएंगी। मैं जब गार्डन वाले रास्ते से अंदर घुसा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद दर्शनार्थी के तौर पे मैं यहाँ पे अकेला हूँ, लेकिन इस रास्ते पे ये जो भीड़ है इसे देखकर लग रहा है कि नहीं, यहाँ आज अच्छी खासी पब्लिक आई हुई है। दोस्तों ये भोरमदेव मंदिर का बोर्ड है और इसके साथ में यहाँ पे पुरातत्व विभाग की एक चेतावनी भी लिखी हुई है कि यह मंदिर प्राचीन है और पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, तो इस मंदिर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुँचाए। यहाँ सामने वो बड़ा सा तालाब है जिसकी मैं बात कर रहा था। तालाब है, नदी है, झील है या डैम है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके दोनों ओर पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और बीच में एक पहाड़ी पर भगवान शिव जी का एक खूबसूरत सा मंदिर और उसमें शिव जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर बोटिंग आदि की भी व्यवस्था है, तो जब आप अपने परिवार के साथ आते हैं तो एक अच्छा समय आप यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं। आप मंदिर दर्शन के साथ में इस खूबसूरत नज़ारे में बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मंदिर प्रांगण के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान भोरमदेव के। सबसे पहले मैं अपने जूते वगैरह यहाँ उतार देता हूँ जहाँ पे बाकी लोगों ने उतारे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे और भी कोई चप्पल जूता स्टैंड आदि की व्यवस्था फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहला मंदिर भगवान श्री काल भैरव जी का आता है। भगवान भोरमदेव का यह मंदिर 11वीं शताब्दी का है और इस मंदिर प्रांगण में स्थित सारी प्रतिमाएं लगभग उसी काल की है। भगवान श्री काल भैरव की यह प्राचीन मूर्ति भी 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। भोरमदेव एक प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट भी है, इसीलिए ये हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर ही एक पुलिस चौकी बनाई गई है, आप अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यहाँ इनसे संपर्क कर सकते हैं। भोरमदेव का मंदिर मैकल पर्वत श्रृंखला पर स्थित ग्राम छपरी के निकट चौरा गांव में स्थित है। छत्तीसगढ़ का खुजराहो कहे जाने वाला भोरमदेव का यह मंदिर न केवल छत्तीसगढ़ अपितु समकालीन अन्य राजवंशों की कला शैली के इतिहास में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 11वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर की जैन एवं वैष्णव प्रतिमाएं भारतीय संस्कृति एवं कला की उत्कृष्टता की परिचायक हैं। वर्तमान समय में कोरोना महामारी को देखते हुए यहाँ शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। यहाँ जाने वाले हर दर्शनार्थियों के हैंड सैनिटाइज करके ही उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जाता है और हाँ दोस्तों यहाँ मास्क लगाना भी अनिवार्य है। और अगर मंदिर प्रशासन आपसे कड़ाई ना करे तो भी किसी भी पब्लिक प्लेस में ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का
पालन करना चाहिए। मुख्य मंदिर परिसर के अंदर किसी भी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। वर्तमान समय में कोरोना को देखते हुए नारियल आदि भी मंदिर के बाहर ही यहाँ रखवा दिए जाते हैं। तो आप अगर किसी भी प्रकार का फल प्रसाद लेकर आ रहे हैं तो आप यहाँ से ही भगवान को समर्पित कर सकते हैं। किंवदंती है कि गौड़ जाति के उपास्य देव भोरम देव, जो कि भगवान महादेव का ही एक नाम है, के नाम पर मंदिर निर्मित कराए जाने पर ही स्थान का नाम भोरम देव पड़ गया और आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर की स्थापत्य कला शैली मालवा कला शैली की प्रतिछाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मध्यकाल में निर्मित सभी मंदिरों में भोरम देव मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। निर्माण योजना एवं विषय वस्तु में सूर्य मंदिर कोणार्क एवं खुजराहो के मंदिरों के समान होने से इसे छत्तीसगढ़ का खुजराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी राजा लक्ष्मण देव राय द्वारा करवाया गया था। इसकी जानकारी हमें वर्तमान में मंडप में रखी एक दाढ़ी मूछ वाले योगी की बैठी मूर्ति पर उत्कृष्ट लेख से होती है। इस प्रतिमा पर उत्कीर्ण दूसरे लेख में कलचुरी संवत 840 तिथि दी हुई है। इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि मंदिर छठे फणी नागवंशी शासक श्री गोपाल देव के शासनकाल में निर्मित हुआ है। पूर्वाभिमुख यह मंदिर नागर शैली का सुंदर उदाहरण है। मंदिर में तीन प्रवेश द्वार हैं। प्रमुख द्वार पूर्व दिशा की ओर, दूसरे का मुख दक्षिण की ओर एवं तीसरा अर्ध मंडप, उससे लगा हुआ अंतराल और गर्भगृह हैं। मंडप की तीन दिशाओं के द्वारों के दोनों ओर पार्श्व में एक स्तंभ है जिसकी यष्टि अष्टकोणी हो गई है। इसकी चौकी उल्टे विकसित कमल के समान है जिस पर कीचक बने हुए हैं जो छत का भार थामे हुए हैं। मंडप में कुल 16 स्तंभ हैं जो अलंकरण युक्त हैं। मंडप की छत का निर्माण प्रस्तरों को जमा कर किया गया है। छत पर शतदल कमल बना हुआ है। मंडप में गरुड़ासीन लक्ष्मी नारायण प्रतिमा एवं ध्यानमग्न राजपुरुष की पद्मासन में बैठी प्रतिमा है। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच काले पत्थरों से बना प्राचीन शिवलिंग विराजमान है। वर्तमान में मंदिर के क्रमशः सकरे होते हुए ऊंचे गोलाकार अलंकृत शिखर पर कलश नहीं है, शेष पूरा मंदिर अपनी मूल स्थिति में है। मंदिर की जंघा पर कोणार्क शिव मंदिर एवं खजुराहो के मंदिरों की ही भांति सामाजिक एवं गृहस्थ जीवन से संबंधित अनेक मैथुन दृश्य तीन पंक्तियों में कलात्मक अभिप्रायों समेत उकेरे गए हैं, जिनके माध्यम से समाज के गृहस्थ जीवन को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। यहाँ मैथुन मूर्तियों की बहुलता है। इन्हें यहाँ अलंकरण के रूप में निर्मित किया गया है। पुरुष नर्तक एवं नारी नर्तकियों से यह आभास होता है कि 10वीं-12वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के स्त्री पुरुष नृत्य कला में विशेष रुचि रखते थे। भोरम देव मंदिर परिसर में ही अन्य बहुत से प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें नृत्य करते हुए हनुमान जी का मंदिर एवं प्राचीन ईंट निर्मित शिव मंदिर विशिष्ट है। दोस्तों, इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको ले चलेंगे उन्हीं प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराने। अभी फिलहाल मेरे आसपास कोई नहीं है दूर दूर तक, इसलिए 2 मिनट के लिए मास्क उतार रहा हूँ। अदरवाइज आप लोग किसी भी प्राचीन स्थल के दर्शन करने जा रहे हैं, कहीं पे भी बिना मास्क के नहीं घूमना है। मैं किसी भी तरीके से मास्क नहीं लगाने को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे टाइम इस मंदिर पे जब तक शूट कर रहा था तब तक मास्क लगा के रखा हुआ था। अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं मास्क निकालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से छोटी सी बातें करनी है। और उसके पहले भी मैंने आसपास पूरी तरह अच्छे से देख लिया है। मेरे दूर दूर तक 2 गज तो क्या 20 गज तक कोई नहीं है, खुली हवा। एनीवेज, खुली हवा से ज़्यादा जरूरी जान है, खुद की भी और दूसरों की भी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको भोरम देव मंदिर का ये सफ़रनामा, भोरम देव मंदिर के प्राचीन इतिहास की ये जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकें। अगर आप इस वीडियो के जरिए पहली बार हमारे चैनल CG04 बस फीड के साथ जुड़ रहे हैं,
तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से छत्तीसगढ़ के प्राचीन एवं दार्शनिक स्थलों के अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आपके लिए आते रहते हैं, ताकि आप इस कोरोना काल में लॉकडाउन के टाइम पे घर बैठे इन सभी प्राचीन दार्शनिक स्थलों के दर्शन कर सके, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सके, छत्तीसगढ़ के इतिहास को जान सके। तो आप में से जिस जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं या अगर आपको इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगी है, हमें कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से ही हमें मिलता है मोटिवेशन। तब तक इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखिए, कोरोना के गाइडलाइंस का पालन कीजिए। नमस्कार।